नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको 2020 क्रेटा जो है वो पेट्रोल में खरीदनी चाहिए या फिर डीजल में खरीदनी चाहिए। तो बेसिकली हम यहाँ बात करने वाले हैं इसके बेस वेरिएंट के बारे में, क्योंकि बेस वेरिएंट की जो प्राइसेज है वो सिमिलर है पेट्रोल और डीजल क्रेटा के। तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन से कि क्या उनको डीजल में क्रेटा खरीदनी चाहिए या फिर पेट्रोल, जिनको बेस वेरिएंट खरीदना है, तो उसी का आंसर करने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाई है। तो आशा करते हैं कि आपकी इस वीडियो के एंड तक कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3 काम आपको करने हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 2020 क्रेटा जो कि हुंडई ने रिसेंटली लॉन्च किया है, तो ये गाड़ी जो है वो दिनों दिन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, जिसका एक बड़ा कारण है इस गाड़ी का ओवरऑल डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस और हुंडई का सर्विस नेटवर्क। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है पिछले कुछ दिनों से। तो यहाँ इन दोनों इस गाड़ी के जो दो वेरिएंट है, बेस वेरिएंट ई और ईएक्स, ई जो कि डीजल वेरिएंट है और ईएक्स जो कि पेट्रोल वेरिएंट है, तो ये दोनों ही जो वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों के जो प्राइसेज है वो सिमिलर है। तो जिसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उनको ई वेरिएंट खरीदना चाहिए या फिर ईएक्स वेरिएंट खरीदना चाहिए। तो इसी का कंक्लूजन जो है हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेटा के ई वेरिएंट की, जो कि डीजल वेरिएंट है। और डीजल वेरिएंट का जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 9.99 लाख, और हमें जो माइलेज मिलती है वो है 21.4 KMPL की। और वहीं अगर हम इंजन की पावर की बात करें तो 113 BHP की पावर हमें इस गाड़ी में मिल जाती है। इस गाड़ी में इसके अलावा हमें फीचर्स के मामले में और कुछ भी नहीं मिलता। सेफ्टी फीचर्स हमें सभी मिलते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स हमें जो है कुछ भी नहीं मिलते। और वहीं अगर हम बात करें क्रेटा के ईएक्स वेरिएंट की, जो कि पेट्रोल वेरिएंट है, और इसका भी जो प्राइस है वो है 9.99 लाख, और जो हमें माइलेज मिलती है वो है 16.8 KMPL की, जो कि क्रेटा डीजल से जो है लगभग 4+ कम है। और इस गाड़ी में हमें जो इंजन के साथ पावर मिलती है वो है 113 BHP की पावर। तो यहाँ दोनों ही गाड़ियों में हमें लगभग सिमिलर पावर वाले इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में वो है क्रेटा ईएक्स वेरिएंट में हमें कुछ मेजर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले टच, जो कि हमें क्रेटा के ईएक्स वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं क्रेटा के ईएक्स वेरिएंट में। तो ये दो ऐसे बड़े फीचर्स हैं जिनकी वजह से लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, कौन सी गाड़ी जो है उनके लिए ज़्यादा सही है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किन लोगों को क्रेटा जो है पेट्रोल में खरीदनी चाहिए या फिर किन लोगों को क्रेटा जो है डीजल खरीदने में ज़्यादा फायदा है, जिसका सीधा सीधा आंसर आपको इस कैलकुलेशन में मिलने वाला है, जिसके हिसाब से अगर आप एक करेक्ट वेरिएंट खरीदते हैं तो आप लगभग जो है 1,20,000 से ज़्यादा मनी अपनी सेव कर सकते हैं स्टार्टिंग के 2-3 सालों में। तो चलिए बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की। तो यहाँ अगर हम बात करें क्रेटा पेट्रोल की, तो क्रेटा पेट्रोल में हमें 16.8 KMPL की माइलेज मिल जाती है, और वहीं डीजल की बात करें तो 21.4 KMPL की माइलेज हमें मिल जाती है, यानी कि आपको 4.4 KMPL का डिफरेंस जो है मिलने वाला है इन दोनों ही गाड़ियों की माइलेज में, चाहे वो बात हो सिटी की या फिर हाईवे की। तो सिटी में जो माइलेज मिलती है हमें क्रेटा पेट्रोल मैनुअल से वो अराउंड 12 KMPL की, और डीजल वेरिएंट की बात करें तो डीजल की जो माइलेज हमें मिलती है वो है अराउंड 16 KMPL की। तो यहाँ 4 KMPL का जो डिफरेंस है वो हम लेके चलते हैं, मिनिमम 4 KMPL का, और उसके बेस पे हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ अगर हम मंथली रनिंग की बात करें, तो अगर आपकी रनिंग जो है 1500 किलोमीटर्स के आसपास है और आप एक पेट्रोल गाड़ी खरीदते हैं, तो 12 की माइलेज के हिसाब से आपका जो पेट्रोल लगने वाला है मंथली वो है 125 लीटर्स, और करंट पेट्रोल प्राइसेस के हिसाब से अगर हम देखें जो कि 81 है, तो उसके हिसाब से आपकी जो मंथली कॉस्ट है वो है 10,125। वहीं अगर हम डीजल वेरिएंट की बात करें, तो 1500 किलोमीटर्स के हिसाब से और 16 की माइलेज के हिसाब से आपका जो डीजल लगने वाला है मंथली वो है 94 लीटर्स। तो 94 लीटर्स की अगर हम कॉस्ट देखें मंथली, तो करंट डीजल प्राइसेस जो कि 73 है उसके हिसाब से जो मंथली कॉस्ट बनती है वो है 6,862। तो यहाँ अगर हम दोनों की मंथली कॉस्ट का डिफरेंस काउंट करें तो 3,263 जो है इन दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस है। तो अगर आपकी रनिंग जो है 1500 किलोमीटर्स के आसपास है, तो आपके लिए जो डीजल वेरिएंट है उसमें आप जो हर महीने 3,200 रुपये बचा सकते हैं, और अगर हम इसे ईयर में कन्वर्ट करें तो 39,000, और
3 ईयर्स में कन्वर्ट करें तो 1,20,000, तो यहाँ आप 3 साल में 1,20,000 बचा सकते हैं। तो यहाँ अगर आपकी रनिंग जो है 1500 किलोमीटर के आसपास है तो आपको सीधा सीधा एक डीजल वेरिएंट खरीदने में ज़्यादा फायदा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि जो पेट्रोल वेरिएंट है उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो पेट्रोल वेरिएंट में हमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं वो आपको बड़े ही अच्छे बड़े ही ईजिली जो है बाहर से आप 30,000 to 50,000 में लगवा सकते हैं। आप स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी एज ए एक्स्ट्रा एक्सेसरी लगवा सकते हैं, और आप जो म्यूजिक सिस्टम है वो भी अच्छे से अच्छा आप बाहर से लगवा सकते हैं। तो ये दोनों की कॉस्ट जो है वो आप 20,000 to 30,000 or 50,000 में बड़ी अच्छी क्वालिटी के आप ये एक्सेसरीज बाहर से इंस्टॉल करवा सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो यहाँ अगर हम डीजल की बात करें तो दोनों की मेंटेनेंस कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो दोनों की मेंटेनेंस कॉस्ट है पहले कुछ सालों की, तो पेट्रोल वेरिएंट की जो है वो 15,000 है और वहीं डीजल वेरिएंट की जो है वो 19,000 है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किन लोगों को क्रेटा पेट्रोल में खरीदनी चाहिए। तो जिन लोगों की रनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लगभग 700 to 800 किलोमीटर्स पर मंथ या फिर 1,000 के आसपास, तो ऐसे लोगों के लिए क्रेटा पेट्रोल जो है वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे किलोमीटर्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे इन दोनों गाड़ियों की मंथली कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम होता जाएगा। तो ऐसे में पेट्रोल इंजन खरीदने के कुछ फायदे भी रहते हैं, जैसे कि पेट्रोल इंजन की जो लाइफ है वो थोड़ी सी अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू डीजल इंजन। और इसके अलावा अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो पोल्यूशन के मामले में गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले डीजल इंजन को बैन करती है एज कंपेयर टू पेट्रोल। तो अगर आप किसी मेट्रो सिटी में है तो और आपकी रनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आपके लिए पेट्रोल इंजन जो है वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ अगर हम क्रेटा के हायर एंड वेरिएंट्स की बात करें तो वहाँ पे जो डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल में वो करीब करीब 1.5 लाख के आसपास रहता है। तो इसी कैलकुलेशन के बेस पे जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्रेटा डीजल खरीदने का फायदा है या फिर क्रेटा पेट्रोल। अगर आपकी रनिंग जो है वो पर मंथ जो है 2,000 to 3,000 या इससे भी ज़्यादा है तो आपके लिए एक डीजल वेरिएंट खरीदने का ज़्यादा फायदा है। और वहीं अगर हम बात करें अगर आपकी रनिंग जो है 1500 किलोमीटर या फिर 1,000 के आसपास है तो आपके लिए पेट्रोल वेरिएंट खरीदने का ज़्यादा फायदा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आपको 2020 क्रेटा का पेट्रोल वेरिएंट खरीदना चाहिए या फिर डीजल वेरिएंट खरीदना चाहिए। तो आशा करते हैं आपकी कंफ्यूजन जो है वो थोड़ी सी दूर हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।